Hello everyone, welcome to the next video of 200 best MCQs of operating system. Question number 101. To ensure difficulties do not arise in the reader-writer problem, reader and writer are given exclusive access to the shared object. ठीक है, तो हमें पता है कि एक जिस तरह से producer consumer एक problem है process synchronization की. Process synchronization की बहुत सारी problems हैं, जैसे reader writer problem हो गई, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हो गई, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम हो गई. ये सब प्रॉब्लम्स हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की. तो ऐसे एक रीडर राइटर प्रॉब्लम है जिसमें एक बफर है, उस बफर में कोई एक प्रोसेस रीड कर रही है और एक प्रोसेस में राइट कर रही है. तो हम चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव एक्सेस मिले. एक्सक्लूसिव एक्सेस का मतलब क्या है? इसकी दूसरा नाम है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का. म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स कि बफर में जिस टाइम एक जब रीडर जो रीडर प्रोसेस है अगर वो रीड कर रही है तो हम राइटर राइटर प्रोसेस राइट ना करें. अगर राइटर प्रोसेस राइट कर रही है तो हम चाहते हैं कि रीडर प्रोसेस रीड ना करें. मतलब हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहते हैं. इन दोनों प्रोसेस में से एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर. इनमें शेयर्ड ऑब्जेक्ट क्या है? शेयर्ड ऑब्जेक्ट है आपका बफर. तो अगर एक ही इनमें से प्रोसेस बफर को एक टाइम पे यूज़ कर रही है तो हम कहते हैं एक्सक्लूसिव एक्सेस या फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन. तो इस प्रॉब्लम को टू इंश्योर द डिफिकल्टी डो नॉट अराइज इन द रीडर राइटर प्रॉब्लम वी गिव द एक्सक्लूसिव एक्सेस टू बोथ रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम. रीडर एंड राइटर दोनों प्रोसेस को हम एक्सक्लूसिव एक्सेस देंगे. एक्सक्लूसिव एक्सेस देने का मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी इन दोनों में से. क्वेश्चन नंबर 102. डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम विल अकर इन केस ऑफ. डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है? ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की एक प्रॉब्लम है जो हमने पढ़ी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब थ्योरी पढ़ी होगी. तो उसमें कुछ ऐसे हैं, बीच में एक बॉल रखी हुई है जिसमें राइस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ फिलोसफर्स बैठे हुए हैं. ओके, लेट्स से ये है आपका फिलोसफर वन, फिलोसफर टू, फिलोसफर थ्री, फिलोसफर फोर एंड फिलोसफर फाइव. तो आपके पास में पांच फिलोसफर बैठे हुए हैं इस टेबल के अराउंड. फिलोसफर का काम एक दो ही हैं, या तो वो सोचते हैं या खाएंगे, या तो सोच रहे होंगे या खाएंगे. तो वो हमेशा सोचते रहते हैं, और जब वो हंगरी फील करेंगे तो वो कुछ खाएंगे. तो इसके साथ में और चीज़ें भी हैं. क्या हैं? एक चॉपस्टिक है, मतलब पाँच फिलोसफर हैं और पाँच ही चॉपस्टिक हैं. यह है चॉपस्टिक वन, ठीक है. सेकंड चॉपस्टिक यहाँ पे है. इसी तरह से हर दो फिलोसफर्स के बीच में एक चॉपस्टिक है. मतलब क्या है कि आपके पास में टोटल पांच चॉपस्टिक है. ये आपकी पांच चॉपस्टिक्स हैं. तो जब भी कोई फिलोसफर को हंगरी फील करेगा वो क्या करेगा? दोनों चॉपस्टिक उठाने की कोशिश करेगा, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी. हर एक फिलोसफर दो चॉपस्टिक से खाएगा. उसको खाने के लिए दोनों चॉपस्टिक चाहिए, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी. तो जब भी वो हंगरी फील करेगा दोनों चॉपस्टिक को उठाने की कोशिश करेगा. अगर वो उठा पाया दोनों को तो खा लेगा, नहीं तो सिंगल से नहीं खा पाएगा. तो इस डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. तो एक्चुअल में डेफिनेशन डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम की यही है कि एक टेबल है, उसमें पाँच फिलोसफर्स हैं और पाँच चॉपस्टिक हैं और बीच में राइस रखे हुए हैं. जब भी कोई फिलोसफर हंगरी फील करेगा वो अपनी लेफ्ट एंड राइट दोनों की दोनों चॉपस्टिक उठाएगा और खाने की कोशिश करेगा. पहले तो उठाने की कोशिश करेगा लेफ्ट भी और राइट भी. इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? अगर पांचों के पांचों फिलोसफर एक साथ हंगरी हो गए तो डेडलॉक लग जाएगा. डेडलॉक क्यों लग जाएगा? क्योंकि सारे के सारे अपनी अपनी चॉपस्टिक उठाने की कोशिश करेंगे और सबके सब, क्योंकि अगर पाँच फिलोसफर हैं तो सक्सेसफुल करने के लिए दस चॉपस्टिक चाहिए कम से कम. हर एक को दो देनी है अगर, लेकिन यहाँ पे पाँच ही है. लेकिन पाँच हैं और हर एक को दो देनी है. इसका मतलब क्या है कि दस होनी चाहिए थी, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी. सबके सब सारी उठा नहीं पाएंगे, अपनी दोनों की दोनों उठा नहीं पाएंगे. लेट से अगर मैं कहूँ कि सबके सब लेफ्ट उठाएंगे पहले अपनी, तो पी वन का लेफ्ट ये है, तो पी वन ने ये उठाई, पी फाइव ने ये उठाई, पी फोर ने ये, सबके सब अपनी अपनी लेफ्ट उठा लेंगे. तो जो पी वन का लेफ्ट है एक्चुअली वो पी फाइव का राइट है. जब ये पी वन सबके सब अपनी अपनी लेफ्ट उठा के बैठ जाएंगे उनको राइट नहीं मिलेगी, क्योंकि राइट वाली उनके अगले वाला पहले से उठा के बैठा हुआ है, क्योंकि अगले वाले के लिए वो लेफ्ट थी. तो डेडलॉक लग जाएंगे. तो इस तरह के कई सारे सॉल्यूशंस हैं. डेफिनेशन यही है कि पांच फिलोसफर्स हैं एंड पांच चॉपस्टिक्स हैं. अ डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन टू द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम.
एक डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन देना बहुत ही मुश्किल था डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम के लिए, लेकिन हमारे पास में सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर मैं सबको पहले ये कहूँ कि सारे फिलोसोफर, हम ये मान के चल रहे हैं वर्स्ट केस क्या है कि पांचों के पांचों फिलोसोफर एक साथ हंगरी फील हो गए, तो अगर पांचों के पांचों एक साथ हंगरी हैं तो सारे के सारे चॉपस्टिक उठाने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट वाले भी और राइट वाले भी। तो पहला सॉल्यूशन हमने ये दिया था कि सबके सब अपनी अपनी लेफ्ट उठाओ। अगर सबके सब ने अपनी अपनी लेफ्ट उठा ली तो वो क्या होगा, साइकिलिंग वेटिंग हो जाएगी, सबके सब अब साइकिल में वेट करेंगे राइट वाली के लिए। अगर मैं कहूँ सबके सब पहले अपनी राइट वाली उठाने की कोशिश करो फिर लेफ्ट वाली, तो सबके सब अपनी राइट वाली चॉपस्टिक उठा के बैठ जाएंगे, लेकिन लेफ्ट वाली उन्हें मिलेगी नहीं क्योंकि सब ने उठा के रखी हुई है। तो वो भी सोल्यूशन सही नहीं था। फिर हमने कुछ और सोल्यूशन दिए थे। हमने कहा था कि एक फिलोसफर जो है, बाकी जो चार फिलोसफर है वो तो सबके सब अपनी अपनी लेफ्ट उठाने की कोशिश करें, लेकिन एक फिलोसफर ऐसा हो जो पहले राइट उठाए उसके बाद में लेफ्ट उठाए, तो उस वो एक डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन था क्योंकि वो साइक्लिक वेट तोड़ दे रहा है सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में साइक्लिक वेट नहीं होगी, तो अगर आप सर्कुलर वेट नहीं है तो डेडलॉक नहीं लगेगा। नेसेसरी एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टारवेशन, डज नॉट नेसेसरी एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टारवेशन, एलिमिनेट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फर्दर। तो अगर आप स्टारवेशन को प्रिवेंट कर पाओ, स्टारवेशन का मतलब क्या है, स्टारवेशन मैंने कल बताया था कि अगर इंडेफिनेट वेटिंग है, इंडेफिनेट वेटिंग मीन्स वेटिंग पे कोई बाउंड नहीं है, आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं स्टारवेशन। तो स्टारवेशन कैसे लग सकता है इस डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में, जिसमें मैंने अभी बताया अगर सर्कुलर वेट है तो स्टारवेशन हो ही गया। क्यों? क्योंकि सबके सब वेट करते रहेंगे साइकिल में, और अपनी अपनी चॉपस्टिक कोई छोड़ेगा नहीं और दूसरे के लिए वेट करता रहेगा। होल्ड एंड वेट भी हो रहा है, सर्कुलर वेट भी हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, स्टारवेशन। तो अगर आप स्टारवेशन बचा पाओ तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक नहीं होगा। स्टारवेशन कैसे बचा पाओगे, अगर आप साइकिल तोड़ पाओ, वेटिंग की साइकिल तोड़ पाओ। क्वेश्चन नंबर 104, ऑल प्रोसेसेस शेयर द सीमाफोर वेरिएबल म्यूटेक्स इनिशियलाइज टू वन, ईच प्रोसेस मस्ट एग्जीक्यूट वेट म्यूटेक्स बिफोर एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन एंड सिग्नल आफ्टर वर्ड्स। सपोज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इन द फॉलोइंग मैनर, ऑल प्रोसेसेस शेयर अ सीमाफोर वेरिएबल म्यूटेक्स। म्यूटेक्स एक सीमाफोर वेरिएबल है जो कि बाइनरी सीमाफोर है। इनिशियलाइज टू वन, ईच प्रोसेस मस्ट एग्जीक्यूट वेट ऑपरेशन बिफोर एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन एंड सिग्नल ऑपरेशन आफ्टर वर्ड्स। मीन्स क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले पहले वेट ऑपरेशन परफॉर्म करें, और क्रिटिकल सेक्शन से आने के बाद, बाहर आने के बाद में सिग्नल ऑपरेशन। सपोज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इन द फॉलोइंग मैनर, पहले सिग्नल ऑपरेशन देन क्रिटिकल सेक्शन देन वेट ऑपरेशन। तो बहुत सारी प्रोसेस हैं, वो सब की सब प्रोसेस पहले वेट एग्जीक्यूट कर रही है, लाइक दिस वेट। इसने कहा कि क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले आप वेट ऑपरेशन करो, फिर क्रिटिकल सेक्शन में, और क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने के बाद में सिग्नल ऑपरेशन, लाइक दिस। लेकिन एक प्रोसेस ऐसी है, सिर्फ एक प्रोसेस जो पहले सिग्नल ऑपरेशन करेगी और फिर वेट ऑपरेशन। तो ये कह रहा है कि इन दिस सिचुएशन अ डेडलॉक विल अकर, क्या डेडलॉक पॉसिबल है? तो डेडलॉक तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है और ये भी जा सकती है, क्योंकि जो आपका सीमा फोर है वो वन है। तो अगर ये प्रोसेस बार बार भी, ये बार बार भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रही है, अभी भी और प्रोसेस को मौका मिल सकता है इसके थ्रू, क्योंकि जब ये बाहर जाएगी, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद में सिग्नल करेगी, तो सिग्नल पहले वेट ऑपरेशन इस सीमा फोर की म्यूटेक्स की वैल्यू को जीरो कर देगा, लेकिन सिग्नल ऑपरेशन क्या करेगा, उसको वन कर देगा। इसी तरह ये भी सिग्नल ऑपरेशन उसको इंक्रीमेंट ही करेगा, तो डेडलॉक तो हो ही नहीं सकता है। सेवरल प्रोसेस मे एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन, ये कह रहा है कि एक से ज्यादा प्रोसेस, मीन सेवरल प्रोसेसेस, एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो सकती है, ये पॉसिबल है। जैसे हम अभी देख रहे हैं, ये प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है और ये भी जा सकती है, क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू इनिशियली क्या थी, वन थी। जब ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ वेट म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स की वैल्यू हो गई जीरो, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गए। अब ये भी पैरेलली एग्जीक्यूट करना चाह रही है, इसने कहा सिग्नल, तो इसने वैल्यू क्या कर दी, वन। तो ये प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और ये प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, प्लस और प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू वन है। अगर कोई और प्रोसेस भी है, लेट से उसके अंदर भी ऐसे हैं, व्यू वेट म्यूटेक्स क्रिटिकल सेक्शन एंड देन सिग्नल म्यूटेक्स, तो पैरेलली एक से ज़्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है। ये भी जा सकती है क्योंकि ये तो इंक्रीमेंट ही कर रही है वैल्यू को, ये भी जा सकती है क्योंकि वैल्यू इनिशियलाइज टू वन है, और ये भी जा सकती है क्योंकि इसने वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी है। तो तीन प्रोसेस एक साथ जा सकती है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि सेवरल प्रोसेसेस मे बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 105,
कंसिडर द मैथड्स यूज बाई प्रोसेस पी वन एंड पी टू फॉर एक्सेसिंग देयर क्रिटिकल सेक्शन वेन एवर नीडेड एज गिवन बिलो. द इनिशियल वैल्यूज ऑफ शेड बुलियन वेरिएबल्स एस वन एंड एस टू आर रेंडमली असाइंड. ओके, आपके पास भी दो सीमाफोर वेरिएबल्स हैं, दो बाइनरी सीमाफोर्स हैं एस वन एंड एस टू, जिनको हमने वैल्यू जो है वो रेंडमली असाइन की है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंसिडर द मैथड्स प्रोसेस पी वन पी टू एक्सेसिंग देयर क्रिटिकल सेक्शन दिस वेन एवर नीडेड एज गिवन बिलो. द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द शेयर्ड बुलियन वेरिएबल्स. ओके, शेयर्ड बुलियन वेरिएबल्स, ये बुलियन वेरिएबल्स है. बुलियन वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि इसको आप ऐसे देख सकते हो कि बाइनरी सीमा फोर. बुलियन वेरिएबल में वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या वन, ट्रू या फॉल्स, बुलियन का मतलब यही तो है ना. और एस वन एस टू बुलियन वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि वो बाइनरी सीमा फोर है, रैंडमली असाइंड. वैल्यू क्या है, रैंडमली असाइन की गई है. अब ये दो प्रोसेस है पी वन एंड पी टू. पी वन का कोड ये है और पी टू का कोड ये है. तो लेट से अगर मैं इनिशियली कहूँ एस वन की वैल्यू लेट से इनिशियली जीरो थी एंड एस टू की वैल्यू इनिशियली वन थी. इनिशियली ये वैल्यू थी. अब ये वाला एग्जीक्यूट हुआ कोड, पी वन ने एग्जीक्यूट किया. तो व्हाइल एस वन इक्वस टू एस टू, कंडीशन क्या है, फॉल्स है. एस वन इज नॉट इक्वस टू एस टू है. ये बहुत ही एक स्पेशल टाइप का लूप है. इसमें क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन लगी हुई है, सेमी कॉलन लगा हुआ है. इस सेमी कॉलन का मतलब ये है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहीं पर घूमता रहेगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो उससे बाहर निकल जाएगा. ये कह रहा है कि कंडीशन ट्रू देन डू नथिंग. ये जो सेमी कॉलन है, ये जो टर्मिनेशन है, ये वो ये सिर्फ यही कह रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो डू नथिंग ट्रू के केस में, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बाहर जाओ. तो अगर ये वैल्यू, अगर इनिशियली वैल्यूज ये थी तो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट होगा और एस वन के अंदर डाल देंगे एस टू की वैल्यू. मतलब क्या है कि अब एस वन क्या हो जाएगा, वन, और एस टू भी वन ही है. इसने बाहर जाने से पहले रिमाइंडर सेक्शन में क्या कर दिया है, एस वन को असाइन कर दिया है एस टू के वैल्यू, यानी कि दोनों दोनों अब इक्वल हो जाएंगे. अगर दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो इनमें से एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है. तो ये कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन ट्रू होगी, इनमें से एक ही कंडीशन ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी. तो ऑब्वियसली हमें पता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई हो ही रहा है. क्यों, क्योंकि ओनली वन प्रोसेस कैन गो इन टू द क्रिटिकल सेक्शन. अगर दोनों वैल्यू इक्वल भी है, अगर एस वन भी जीरो है एंड एस टू भी जीरो है, तो भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही प्रोसेस जाएगी. ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये यहीं पर घूमता रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, कंडीशन ट्रू है, घूमता रहेगा यहीं पे हमेशा की तरह. और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एस वन इज नॉट इक्वल टू एस टू, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इक्वल है एक्चुअल में वो. और ये कह रहा है कि नॉट इक्वल, तो कंडीशन फॉल्स हुई तो क्रिटिकल एक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा और एस टू में डाल देगा अपोजिट ऑफ एस वन. अगर एस वन पहले जीरो था तो अब एस टू के अंदर वन चला जाएगा. मतलब वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये क्रिटिकल एक्शन के अंदर चला जाएगा. तो ये कह रहा है कि ऑप्शन ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट नॉट प्रोग्रेस. मुझे प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट के लिए भी चेक करना है. प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है और दूसरी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है वो उसको रोक रही है, तो दैट इज नॉन एज बाउंडेड नॉट बाउंडेड वेटिंग. ओके, बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये कि कोई प्रोसेस अगर लेट से पी टू है और वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रही है तो पी वन उसको रोक ना पाए. मान लो इनिशियल वैल्यूज मैंने ले ली एस जीरो इक्वल टू जीरो एंड एस टू इक्वल टू वन. ठीक है, ये वैल्यूज ली इनिशियली, रैंडमली असाइंड है तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इस केस में क्या होगा, अब ये एग्जीक्यूट करने लेट से पी टू एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है, व्हाइल लूप में क्या होगा, व्हाइल लूप में होगा एस वन इज नॉट इक्वल टू एस टू, जीरो इज नॉट इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, जीरो इज नॉट इक्वल टू वन ट्रू होता है, तो कंडीशन ट्रू है तो यहीं पे घूमता रहेगा. प्रोसेस पी टू जो है वो इसी के अंदर घूमती रहेगी क्योंकि सेमीकोलन की वजह से स्पेशल लूप है. कंडीशन ट्रू तो यहीं पे रहो, बार बार चेक करते रहो, बिजी वेटिंग बोलते हैं. तो पी टू कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी. ओके, क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पाएगी, इसकी वजह से, पी वन की वजह से. क्योंकि जब पी वन इसको सेट करेगा एस वन इक्वल टू एस टू तभी ये अंदर जाएगी. तो अगर वैल्यू ऐसे असाइन कर दिया आपने डिफरेंट वैल्यूज तो ये नहीं जा पाएगा. अगर आपने वैल्यू सेम असाइन कर दी तो पी वन नहीं जा पाएगी. तो एक दूसरी प्रोसेस जो है वो रोक रही है दूसरी प्रोसेस को, इसलिए हम कहते हैं प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट नहीं है. तो प्रोग्रेस बट नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट नॉट प्रोग्रेस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई कर रही है ये सॉल्यूशन, लेकिन प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रही है. ओके, व्हाट इज द रीयूजेबल रिसोर्स दैट कैन बी यूज बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम एंड इज नॉट डिप्लीटेड बाय दैट यूज.
that can be used by more than one process at a time, that can be shared between various threads, none of the mentioned. So reusable resource kya hai? That can be used simple by more than one process at a time. Which of the following condition is required for deadlock to be possible? Deadlock होने के लिए इनमें से कौन सी condition जरूरी है? Mutual exclusion, progress may hold allocated resources while awaiting assignment of other resources. चार deadlock के लिए चार conditions हैं, necessary conditions हैं और वो. जैसे कि आपके पास में पहली condition है circular wait. दूसरी कंडीशन है होल्ड एंड वेट. एक रिसोर्स आपने होल्ड की हुई है और दूसरे के लिए वेट कर रहे हो. इसी तरह से स्टारवेशन एंड फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये चार कंडीशंस हैं. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यस, अ प्रोसेस में होल्ड अलोकेटेड रिसोर्स वाइल अवेटिंग असाइनमेंट ऑफ अदर रिसोर्स, इसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट. ये जो बी है ये डेफिनेशन है होल्ड एंड वेट की. एक रिसोर्स आपने होल्ड की हुई है और एक के लिए वेट कर रहे हो. नो रिसोर्स कैन बी फोर्सली रिमूव्ड फ्रॉम ए प्रोसेस होल्डिंग इट, ये है सर्कुलर वेट में. तो तीनों की तीनों कंडीशंस जो हैं वो डेडलॉक के लिए ही है. हम नेसेसरी कंडीशन क्यों बोलते हैं चार कंडीशन को? नेसेसरी कंडीशन इसलिए बोलते हैं कि चारों कंडीशन एक साथ अकर होनी चाहिए डेडलॉक होने के लिए. इसीलिए जो डेडलॉक प्रिवेंशन है उसमें हम ये करते हैं कि इनमें से किसी एक कंडीशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं. अगर आप एक भी कंडीशन प्रिवेंट कर पाए तो डेडलॉक को तोड़ दोगे. नेसेसरी कंडीशन का मतलब यही होता है. नेसेसरी मतलब जैसे अगर आप हो, आपको जीने के लिए क्या नेसेसरी है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन सबसे नेसेसरी चीज़ है. तो टू लिव ऑक्सीजन इज नेसेसरी. तो अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप मर जाओगे. अब ऑक्सीजन के अलावा और चीज़ें भी चाहिए लेकिन वो नेसेसरी नहीं है. अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ, फूड है, फूड भी नेसेसरी है लेकिन आप उसके बिना जिंदा रह सकते हो 10 मिनट, 15 मिनट, एक घंटा, एक दिन, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते. उसी तरह डेडलॉक है. डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन से चार, मतलब क्या है कि चारों कंडीशन जरूरी है डेडलॉक होने के लिए. अगर इनमें से एक कंडीशन भी नहीं हो रही है तो डेडलॉक नहीं होगा. अ सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट इफ द सिस्टम कैन अलोकेट रिसोर्स टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर, देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस. ये जो टर्म है सेफ सीक्वेंस एंड सेफ स्टेट, ये रिलेटेड है किससे? बैंकर्स एल्गोरिथम से. बैंकर एक एल्गोरिथम है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए जो हम यूज करते हैं रिसोर्सेज को असाइन करने के लिए प्रोसेसेस को. जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी कोई रिसोर्स तो हम चेक करेंगे क्या इस प्रोसेस को ये रिसोर्स देने के बाद में जो सीक्वेंस होगा वो सेफ सीक्वेंस होगा या नहीं होगा. मतलब जो आपका सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है या नहीं है. सेफ स्टेट में होने का मतलब ये कि अगर मैंने ये रिसोर्स इस प्रोसेस को दे दी कहीं डेडलॉक ना लग जाए. अगर डेडलॉक लग रहा है तो अनसेफ स्टेट है. अगर डेडलॉक नहीं लग रहा है तो सेफ स्टेट है. सेफ स्टेट है तो आप उस रिसोर्स को दे दोगे प्रोसेस को. तो आप क्या करोगे डेडलॉक अवॉइडेंस में? रिसोर्स तभी दोगे प्रोसेस को अगर डेडलॉक नहीं लगेगा उस प्रोसेस को देने के बाद. तो अगर एक सेफ सीक्वेंस अवेलेबल है तो ही आप उसको बोलोगे सेफ स्टेट. क्वेश्चन नंबर 109. द सर्कुलर वेट कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिफाइनिंग ए लाइनियर ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स टाइप्स इज द राइट आंसर. आप सर्कुलर वेट को अवॉइड कर सकते हो एक लाइनर ऑर्डरिंग देने के बाद में. मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को उस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट करे. मतलब क्या है, अगर लेट से मेरे पास में 10 प्रोसेस है P0 से लेके P10 तक और मेरे पास में 5 रिसोर्सेज है R1 से लेके R5 तक. तो अगर मैंने इन पे ऑर्डरिंग कर दी है R1, R2, R3, R5, 0, 1, 2, 3, 9, 10 लाइक दिस, तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं ये कहूँ कि प्रोसेस P0 जो होगी पहले वो R1 को रिक्वेस्ट करेगी, फिर R2 को, फिर R3 के, इस तरह से वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करेगी रिक्वेस्ट. ठीक है, लाइनर ऑर्डर में. लाइनर ऑर्डर या तो आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी, डिक्रीमेंटिंग भी हो सकता है. ऐसे भी हो सकता है कि P0 पहले R5 को एक्सेस करें, फिर P0 R4 को, R3 R2 R1 को, लाइक दिस. तो एक प्रोसेस किसी लाइनर ऑर्डर में रिसोर्स को अगर एक्सेस करेगा तो बाउंड सर्कुलर वेट नहीं लग सकता कभी भी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम. मैंने भी बात की थी बैंकर्स एल्गोरिथम जिसमें हम सेफ स्टेट एंड सेफ सीक्वेंस की बात करते हैं. राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो है वो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ना कि डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम. एलिवेटर एल्गोरिथम जो है वो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है.
पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इन वर्चुअल मेमोरी, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बैंकर्स जो एल्गोरिथम है वो एक एल्गोरिथम है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। इन एडवांस प्रोसेसेस रेयरली नो दैट हाउ मच रिसोर्स दे विल नीड। तो बैंकर्स एल्गोरिथम में जो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मैट्रिसेस होती हैं, जैसे आपके पास में लेट्स से प्रोसेस हैं P0, P1, P2, ये कुछ प्रोसेसेस हैं। और जब एक रिसोर्स के कई सारे इंस्टेंसेस होते हैं, एक रिसोर्स के कई सारे इंस्टेंसेस का मतलब ये है कि जैसे प्रिंटर हैं, अगर एक प्रिंटर है तो एक इंस्टेंस है, अगर आप प्रिंटर हैं और उसके पांच प्रिंटर रखे हुए हैं आपके पास में, तो हम बोलेंगे इस प्रिंटर के पांच इंस्टेंस अवेलेबल है हमारे पास में। तो जैसे लेट्स से R1 रिसोर्स है, R2 है, R3 है, तीन रिसोर्सेज हैं R1, R2, R3, तो उनके अकॉर्डिंगली मेरे पास में कुछ मैट्रिसेस होंगी। जैसे एक प्रोसेस कहेगी कि मेरी मैक्सिमम नीड इतनी है, मुझे एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्सिमम नीड इतनी है मेरी। ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा तुम्हें अभी इतनी एलोकेटेड है, अभी तुम्हें इतनी एलोकेटेड कर सकते हैं हम, मतलब R1 का इतना पार्ट, R2 का इतना पार्ट एंड R3 का इतना पार्ट। उसके बाद में कहेगा कि और रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे और इतनी और चाहिए। तो लेट्स से ये कह रहा है P0 कि मुझे R1 रिसोर्स का के तीन इंस्टेंस चाहिए और R2 के दो और R3 के लेट्स से 3। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि तुम्हें अभी R1 का एक इंस्टेंस मिल सकता है, R2 के दोनों मिल जाएंगे और R3 के भी 2 मिल सकते हैं। अब रिक्वेस्ट का मतलब क्या होगा, अभी एग्जीक्यूट होने के लिए और रिक्वेस्ट करेगा, मतलब इसमें से माइनस करेंगे, अभी इतना मिल गया है इतने और चाहिए। रिक्वेस्ट में कहेंगे कितने और चाहिए, जैसे कि 2 इसके चाहिए, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0 और R3 के 1 इंस्टांस चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास में इनकी सब मैट्रिसेस होंगी। तो इसमें हम हमेशा जब भी रिसोर्सेज अवेलेबल होगी, जो हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज दी हुई होगी, कुछ अवेलेबल दी हुई होगी लाइक दिस 3 3 3, मतलब तीन इंस्टांस R1 के अवेलेबल हैं, 3 R2 के और 3 R3 के। इनसे फिर मैं सबकी रिक्वेस्ट, जो ये रिक्वेस्ट होगी यहाँ पर, इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। अगर रिक्वेस्ट सारी सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ तो मेरे पास एक सेफ सीक्वेंस मिलेगा। तो अगर सेफ सीक्वेंस अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं डेडलॉक नहीं है। अगर सेफ सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा है तो डेडलॉक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस एल्गोरिथम, दिस बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम का एक ड्रॉबैक है, इन एडवांस प्रोसेसेस रेयरली नो हाउ मच रिसोर्सेज दे विल नीड, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस चेंजेस एज टाइम प्रोग्रेसेस, रिसोर्सेज वंस अवेलेबल कैन डिसअपियर, ऑल ऑफ द मेंशनड अबव। एक्चुअल में सारे के सारे रीजंस जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं। जब आपकी प्रोसेसेस रन कर रही हैं, हो सकता है कि और नई प्रोसेस आ जाए, जो एक रिसोर्सेज एक बार अवेलेबल थी, हो सकता है वो अवेलेबल ना हो अगली बार, क्योंकि कोई और प्रोसेस उनको लेके बैठ जाएगी। और आप एडवांस में ये नहीं जान सकते हो कि एक प्रोसेस को कितनी रिसोर्सेज चाहिए होंगी। तो ये सब प्रेडिक्शंस हैं जो बैंकर्स एल्गोरिथम को करने पड़ते हैं, ये सब चैलेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 112, फॉर इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू चेक फॉर डेडलॉक। एक अगर आपको अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है तो डेडलॉक के लिए कब चेक करें, व्हेन टू चेक फॉर डेडलॉक। एवरी टाइम अ रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, एवरी टाइम अ रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स, नन ऑफ द मेंशनड अबव। तो हम अगर आप ध्यान से देखें डेडलॉक अवॉइडेंस में हम क्या करते हैं, हम जब भी रिसोर्स कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी तभी डेडलॉक के लिए चेक करेंगे, एवरी टाइम अ रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि कहीं इस रिसोर्स को देने के बाद में डेडलॉक तो नहीं लग जाएगा। तो डेडलॉक हम चार तरीके से हैंडल कर सकते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक रिकवरी, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक लाइक दिस। हमारे पास में कई सारी डेडलॉक की स्ट्रेटजीज हैं, जो भी हैं चार चीज़ें हैं। तो हम डेडलॉक अवॉइडेंस में यही करते हैं कि हम डेडलॉक के लिए कोई मेजर नहीं रखेंगे, हम ये मान के चलेंगे कोई बात नहीं डेडलॉक होगा तो बाद में देखा जाएगा, उसको बोलते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। तो जिस टाइम डेडलॉक लगेगा तब भी उसके साथ में डील करेंगे, पहले से ही कोई डील नहीं करेंगे। तो डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी, ये चार चीज़ें हैं। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में यही करते हैं कि जब भी कोई रिसोर्स की रिक्वेस्ट मेड हो, कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा कोई रिसोर्स, तभी हम चेक करेंगे डेडलॉक के लिए। तो वो अच्छी स्ट्रेटजी है। क्वेश्चन नंबर 113, अ प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन मल्टीटास्किंग व्हेन अ प्रोसेस इज परपेचुअली डिनाइड नेसेसरी रिसोर्स इज कॉल्ड व्हाट। परपेचुअली मींस, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये है
कि कोई प्रोसेस अगर कोई रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स को, उसको बार बार मना कर दिया जा रहा है, परपेचुअली डिनाइड, बार बार मना कर दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हमने अभी पढ़ी थी एक सिचुएशन जिसमें अगर लेट से कोई प्रोसेस कोई रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है और बार बार वो रिसोर्स उसे छीन ले जा रही है क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आके उससे स्नैच कर ले रही है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टारवेशन, मतलब वो हमेशा के लिए वेट करती रहेगी। जैसे अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा हो, जो आपकी प्रायोरिटी एल्गोरिथम है, प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, इन सब में स्टारवेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक छोटी प्रोसेस रन कर रही है और जिस टाइम वो रन कर रही थी उसी टाइम एक नई प्रोसेस आई सिस्टम के अंदर जो उससे भी छोटी है, तो वो प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगी जो नई प्रोसेस आई है। इसी तरह से नई, अगर तुम्हारे पास में नई प्रोसेस जो आ रही है वो छोटी प्रोसेस है, तो बड़ी प्रोसेस हमेशा वेट ही करती रह जाएगी, परपेचुअली उसको हम डिनाई करते रहेंगे एक रिसोर्स सीपीयू, दैट इज सीपीयू, उसको सीपीयू नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो नई प्रोसेस आ रही है वो छोटी प्रोसेस है, उनकी प्रायोरिटी हाई है, तो जो बड़ी प्रोसेस होगी वो वेट करती रह जाएगी क्योंकि उसको डिनाई करते रहेंगे प्रोसेसर, क्योंकि वो बड़ी प्रोसेस है। लेकिन शॉर्टेज जॉब फर्स्ट कहती है कि पहले शॉर्टेज जॉब एग्जीक्यूट करो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टारवेशन। क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल वे टू डिटरमाइन द डेडलॉक अकरेंस। हम कुछ ग्राफ्स बनाते हैं डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक अवॉइडेंस में, तो डेडलॉक डिटेक्शन के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं वेट फॉर ग्राफ। उस वेट फॉर ग्राफ में हम देखते हैं अगर साइकिल है तो डेडलॉक है, नई साइकिल है तो नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में ये देखते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कुछ ऐसे होगा, कुछ प्रोसेसेस होंगे आपके पास में लाइक दिस, प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से उस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, और रिसोर्सेज को रेक्टेंगल से लाइक दिस। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ऐसे होगा, P1 प्रोसेस लेट से अगर रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स R1, तो एज होगी P1 से R1, मतलब प्रोसेस P1 वेट कर रही है R1 के लिए। लेट से R1 असाइंड है P2 को, ये जो R1 से P2 की तरफ एज होगी ये बता रही है कि रिसोर्स R1 P2 को असाइंड है। इसका मतलब क्या है कि P1 जो है वो P2 के लिए वेट कर रही है, P1 रिक्वेस्ट कर रही है R1 के लिए और R1 दी गई हमने P2 को, तो इनडायरेक्टली P1 P2 के लिए वेट कर रही है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से ही हम वेट फॉर ग्राफ भी बना सकते हैं। लेट से P2 इज वेटिंग फॉर R2 एंड R2 इज असाइंड टू P3 लाइक दिस, P3 इज वेटिंग फॉर R3 एंड R3 इज बीइंग असाइंड टू P1। तो इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से अगर मैं वेट फॉर ग्राफ बनाऊं तो वेट फॉर ग्राफ ऐसे बनेगा, P1 P2 P3। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो P1 वेट कर रही है P2 के लिए एंड P2 वेट कर रही है P3 के लिए, क्यों? क्योंकि P2 R2 को रिक्वेस्ट कर रही है और R2 दिया गया हमने P3 को, तो एक सर्कुलर वेट बन रही है, सर्कुलर वेट है तो डेडलॉक, और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है डेडलॉक का। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हम यूज करते हैं मैथमेटिकली डेडलॉक को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 115, टू अवॉइड डेडलॉक देयर मस्ट, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी ए फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्स टू अलोकेट, रिसोर्स एलोकेशन मस्ट बी डन ओनली वंस, ऑल डेडलॉक प्रपोज्ड प्रोसेस मस्ट बी अबॉर्टेड। तो कौन सा सोल्यूशन सही है? हमारे पास में एक सोल्यूशन है एक होल्ड एंड वेट को अवॉइड करने के लिए। मैंने कहा था कि चार कंडीशन है डेडलॉक के लिए, सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट, स्टारवेशन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो अगर मैं इनमें से एक कंडीशन भी प्रिवेंट कर पाऊँ तो डेडलॉक नहीं होगा। तो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए मेरे पास में एक सिचुएशन है कि मैं होल्ड एंड वेट को अवॉइड कर पाऊँ। होल्ड एंड वेट को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? अगर मैं सारी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी रिसोर्स को, उसको स्टार्ट होने से पहले सारी रिक्वेस्ट, सारी रिसोर्सेज दे दूँ जो उसको चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो होल्ड एंड वेट कभी भी नहीं होगा क्योंकि उसको कभी वेट ही नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने किसी प्रोसेस को सारी रिसोर्सेज उसके स्टार्ट होने से पहले ही दे दी है, तो वो जिस टाइम रन कर रही होगी तब कोई रिक्वेस्ट किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट नहीं करेगी क्योंकि सबकी सब उसे पहले ही मिली हुई है, तो होल्ड एंड वेट प्रिवेंट हो गया, होल्ड एंड वेट नहीं होगा। मैंने कहा था अगर एक भी कंडीशन आप अवॉइड कर पाओ तो डेडलॉक नहीं लगेगा, उसी को बोलते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। तो ये बी ऑप्शन है, रिसोर्स एलोकेशन मस्ट बी डन ओनली वंस, वो कब? प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले,